बागेश्वर में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महाविद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 10 बालिकाओं को 2,500 की धनराशि देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला अधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कड़ी मेहनत परिश्रम एवं चुनौतियों से ही जीवन में कामयाबी एवं सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही जिला अधिकारी ने कहा कि महिलाओं के उत्थान एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिसके लिए डीएम ने उन योजनाओं का लाभ भी प्राप्त करने को कहा। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आज हमने बालिकाओं को सम्मानित किया है, क्योंकि प्रोग्राम पहले भी 8 मार्च को प्रस्तावित था, तो आज हमने प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पे कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत किया है, बहुत छोटा सा एक कार्यक्रम करके, और उसमें ऐसी बालिकाओं का सम्मान किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हो। ऐसे पहले भी इस योजना के अंतर्गत बहुत सारी बालिकाओं का हम लोग सम्मान कर चुके हैं, और ऐसे पेरेंट्स का भी सम्मान किया जाता है जिन्होंने बालिकाओं को गोद लिया है या बहुत विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने बालिकाओं को पढ़ने लिखने का आगे बढ़ने का मौका दिया है। तो मुझे लगता है इस प्रोग्राम से हमारी जो बालिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरणा लेगी, और आप देख रहे हैं कि बागेश्वर में बहुत सारी बालिकाएं हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी धनराशि इसमें हमें प्राप्त हुई है, मैं इस संस्था का सम्मान करते हुए ये बोलती हूँ कि मैं इस इन सारी धनराशि का उपयोग सदुपयोग करूंगी अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी शिक्षा के लिए करूंगी। वहीं सम्मान प्राप्त होने से छात्राएं खुश दिखाई दी। छात्राओं ने प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि वो आगे भविष्य में भी मेहनत कर अपना मुकाम हासिल करने में पूरी मेहनत करेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।